तो मैं बोलता हूँ कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। एक आदमी का ये देश बदली नहीं तब तक मोदी के जारी से आवाज है आवाज खड़ी। सत्ता को सलाम करो, थोड़ा पानी पियो और जम कर आराम करो। जनता हो, समर्थन में झुक जाओ, आश्वासन लेना है ले लो, वरना भाड़ में जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। यह हाल किसी और का नहीं, हमारा, आपका और हर उस शख्स का है जो सत्ता में शामिल जाहिलों को एक बार नहीं बार बार चुनकर संसद की सुनहरी चाबी पकड़ा देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की। सत्ता के नशे में ये साहब ऐसा झूम रहे हैं कि कब किस मंच से लतियाने धतियाने और तमचिया देने का खुला ऐलान कर दें कोई नहीं जानता। वैसे संसद के भीतर अपने जिले जवार की एक भी परेशानी का जिक्र करने में इनको दर्जनों हिचकी आ जाए, लेकिन बाकी मंचों से हंस जैसी गर्दन हिला हिला के ये ऐसा परम घटिया ज्ञान दे जाते हैं कि जिले की जनता शाम को बियारी करे या ना करे तो भी काम बराबर चल जाएगा। काहे कि इनका बयान ही कई दिनों तक दिमाग से लेकर पेट तक में अपच बना रहता है। एक आदमी का ये देश बदली नहीं तब तक मोदी के जारी से आवाज है आवाज खड़ी। कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन एक बार के लिए बंदरक अदरक की बनी चाय भी पी ले, लेकिन ये सफेदपोश सांसद जी जनता को अदरक समझ के अप्रत्यक्ष रूप से कूट तो रहे ही हैं, लेकिन इनके लिए कूटना और उठा के पटक देना, जमीन में गाड़ देना, वो भी अफसरशाही के तमाम अधिकारियों को जो कानून की जीती जागती मिसाल हो, ये साथ कभी कमिश्नर को जिंदा गाड़ देने का ऐलान कर देते हैं, कभी अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेता पीएम मोदी जी की दाढ़ी से अनगिनत आवास जो पीएम आवास हैं उन्हें झाड़ देते हैं, और अब इन्होंने एक नया गुल खिलाया है जो सारे बगीचे को गंध से भर देने वाला है। और ये जो ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण जो तैयार हो रहे हैं उनकी श्रेष्ठता और गुणवत्ता में भारी कमी है, इसलिए दक्षिण भारत से कर्मकांडी ब्राह्मण ले आएंगे और यहाँ कर्मकांडी ब्राह्मणों की पाठशाला बनाएंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे और वो कर्मकांडी ब्राह्मण अपना कर्मकांड का काम कराएं, जिससे इस क्षेत्र में जो गिरावट आ रही है उस गिरावट को दूर किया जाए। कल्पना कर सकते हैं आप, एक संगठन मंत्री और कर्मकांडी ब्राह्मण, माने कर्मकांड सत्यनारायण की कथा से लेकर के और बाकी सारे आयामों तक को करने वाले जो पंडित हैं उनकी श्रेष्ठता में कमी आ रही है। दरअसल रीवा जिले के कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में चल रहे कार्यक्रम में सांसद जी ऐसा जोश में होश खोए कि राजनीतिक गलियारे में धूल फांकने वाले दिनों को याद कर मायूस हो गए। इस मायूसी दल की भावनाओं की परम लहर में साहब ऐसा बहे कि दिल की असली बात निकल जाए। इनके इरादे बचपन से राजनीति में आने के थे या नहीं, लेकिन जवानी में सांसद जी ने राज की ऐसी नीति तैयार की थी जिसमें कलेक्टरों कमिश्नरों को फुहाकिया देने या तमाचे पे तमाचे जड़ देने से इनकी जेब में राजनीतिक कीर्तिमान के नए नए तमगे जुड़ जाते थे। ऐसा हम नहीं कह रहे, खुद सांसद जी अपने बयान में साफ कहते नजर आ रहे हैं। राजनीति का वो दौर जब कलेक्टर को थप्पड़ मार देने से साल दो साल की राजनीति में ये चमक जाते थे, ऐसा इनका ही कहना। इतना ही नहीं, जिले के जिन ब्राह्मणों के गुलदस्ते से सजे वोट सांसद जी झोला भर भर के पाते हैं, जिन ब्राह्मणों के रहमो करम के चलते संसद की सीढ़ियां लगातार दो बार से कदम रखते हुए जा रहे हैं, अब साहब इन्हीं कदमों से जिले के तमाम ब्राह्मणों की साख को कुचलने की कोशिश करते भी साफ दिखाई दे रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आंखों के जालों को साफ कर केवल जातिवादी विचारधारा के चलते वोटों की पोटली देनी है तो किसे लायक होते हैं, जो अपनी लोमड़ी हो लेकिन अपनों से ही लुखड़खंड ना खेले। खैर, सत्ता की पोहती रोटी मेहनत किए बिना बाकायदा चमन चटनी के साथ मोदी जी के चेहरे के कारण मिलती आ रही है। जनता भी मजबूर है कि जहां न रूख वहां रेड़ा ही रूख, तो इन्हीं को चुन रही है। और जहां तक मेरा सवाल है तो मैंने तो उन्हें बता दिया कि उन्होंने कहा कि और मैं तो उधर में किसी का आदमी था और हम लोग को ये मानते थे कि कलेक्टर को अगर एक तमाचा मार दिया जाए तो साल भर की नेतागिरी दो साल की नेतागिरी पक्की हो जाती थी और ताके रहते थे कि किस कलेक्टर को मार देना है एक तमाचा है, ये हम लोगों का नहीं काम था और अक्सर मौका मिल जाता था किसी कलेक्टर को काला पकड़ लेना, किसी को एक तमाचा मार देना, किसी को कमिश्नर को कुर्सी से सौंप देना,
जितना है उपयोग नहीं करना है। अफसर सराते स्कॉर्पियो में सांसद बैच टांगे गाड़ी मिली रहे और 10 की 10 उंगलियां घी में हो तो जवान तो फिसलनी ही है। अब आदत से लाचार बेचारे सांसद जी हमारे बयानों की अगली सीरीज में कौन सी गंध फैलाते हैं देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।